दोस्तों अभी हम चल रहे हैं दूसरी जगह पे, दोबारा पहुंचा देना पर वजी जी है। अभी आगे मेरे जो में सोनी की दीदी अभी चंबल के दर्शन करवाएंगे आपको। राम राम जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, और सब कैसे हो जी? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका सोनी धर्मेंद्र ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ब्लॉग शूट हो रहा है एमपी से। एमपी में गांव पड़ता है घुसकमा, यहाँ नियर वाई है बड़ा गांव, तो आज का ब्लॉग यहीं से शूट हो रहा है। सुबह के बज रहे हैं इस समय 7:15, और यहाँ का लोकेशन देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है, बहुत ही सुंदर। जो जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि सुबह आपको हम गांव का माहौल तो वैसे भी सुंदर होता है और बहुत अच्छा लगता है, मॉर्निंग में तो आपको क्या ही बताएं, गजब। और अभी मेरे गले की हालत में थोड़ा सा सुधार लग रहा है, आवाज़ थोड़ी सी खुल रही है, और लगता है एक सुबह कल दवा लग के आया था, जब खाई थी फिर रात में खाई थी, अभी 2 खुराक और हैं, सुबह लूँगा फिर शाम को लूँगा, देखता हूँ शायद लग रहा है सही हो जाएगा जल्दी। और अभी हमको एक दूसरी शादी में और पहुँचना है, तो यहाँ से हम निकलेंगे करीब 11-12 बजे के आसपास, दूसरी शादी भी अटेंड करनी है, वो वहाँ भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे। और उधर से जब जाएंगे ना तो चंबल का व्यू भी आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे अभी गेहूं की कटाई चल रही है, हमारे यहाँ पे सरसों ज़्यादा होती है, पानी की दिक्कत है, यहाँ पे पानी की दिक्कत नहीं है तो गेहूं की फसल ज़्यादा है। अभी अंजू को रहते रहते हमारे घर पूरे 10 महीने हो गए, 10 महीने के बाद अपनी मम्मी से अपनी बहनों से मिली है, बस इधर तो घूम के देख भी नहीं रही है। अभी हम चल रहे हैं दूसरी जगह पे घड़ी पे, तो वहाँ पे लगुन टीका भी है और पच भी आ रहा है आज। हमारी मौसी जी की लड़की हमारी दीदी जी वहीं पे जा रहे हैं। वीडियो का तो कोई पता नहीं कितना सूट होगा क्योंकि मोबाइल हो गया डाउन, चार्ज करने की सुबह से कोशिश कर रहे हैं, पावर बैंक हो गया ख़राब, अभी ख़राब होना था उसको, और मोबाइल लाइट में लगा के बैठते हैं, कोई ना कोई अब रिश्तेदार इतने आते तो हर कोई अपना अपना मोबाइल चार्ज करेगा, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, चार्ज ही नहीं हो पा रहा है ढंग से। देखते हैं जितना चलेगा उतना रिकॉर्ड करेंगे। अभी हम अम्बा में आ गए और योगेश बोला कि पापा ये जूस पीते हैं, तो हमने यहाँ पे मौसम्बी का जूस बनवाया जो कि 70 रुपये का 1 kg। बिगड़ जाओ जी सब जी तनते, अब दोबारा पहुँचा देना पर वजी जी है। हुआ पाँच ही देख ले, अब इसी वीडियो बनाओ, स्टार्ट कर दो। ये बन जाओ, कोई समझ नहीं, डाउन है वो मोबाइल जा। चलो दोस्तों अभी आ गए अपनी दीदी के घर पे, और बस आते ही देखो मोबाइल लगा दिया हमने चार्जिंग में, बस चार्ज हो जाएगा फिर बनाएंगे दवा के वीडियो। पानी का डाल, पानी नहीं है, नहीं है। अभी जो महावर वगैरह नाखूनी वगैरह रख रहे हैं तैयारी चल रही है, तो बस वो बोलते हैं ना पहले सासु माँ के रखे फिर अपने रखे। अभी मैं गार्डन पहुंच गया, और जब मैं आया था उस समय खाना पीना चल रहा था आराम से यहाँ पे, मतलब 2-3 बार लोग खाना खा चुके थे, और अचानक से आ गई बारिश, तो बारिश की वजह से हम अभी अंदर बैठे हैं। अब हल्की सी बारिश धीमी पड़ी तो लोग बाग तो आएंगे, लेकिन बारिश अभी भी हो रही है, तो ये जो वेलकम एंट्री थी ना गार्डन वाली, तो बस उसी में अभी लोगों को बिठा के खाना खिला रहे हैं। अभी आ गए मेरे जो में हैं, चलिए गार्डन ही है। सोनी दीदी के घर पे ही थी तो फिर मैं सोनी को लेने के लिए गया, एकदम बारिश रुक चुकी है अभी, तो अभी खाना पीना इधर चालू कर दिया है टेबल कुर्सी पे, और यहाँ पे सोनी की दीदी भी मिली, और ये हमारे रिश्तेदार भी हैं, तो सभी से मुलाकात होगी और सभी से मिलेंगे, बातें चीत होगी। बहुत अच्छा लगता है जब इतने दिनों बाद मिलते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, और ये सोनी की दीदी सबसे बड़ी वाली हैं। और अब हम भी खाना खाने के लिए बैठते हैं,
काफ़ी भूख लगी है तेज, तो बस इधर देखो योगेश, सोनी और हम बस अब खाना खाते अभी जकीना ने। अभी हमारी मौसी पच लेकर आई हैं, तो बस वो भी आ गए, सभी लोग मेहनतपुरा से, और इनका इंतज़ार कर रहे थे, तो काफ़ी लेट तो हो गए, 2-3 घंटे लेट हुआ। अभी मैं आपको पूरा गार्डन दिखाने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ से देख सकते हैं कि जैसी व्यवस्था चल रही है एकदम बढ़िया चलने लगी दोबारा से, क्योंकि बारिश एकदम से रुक चुकी है, DJ भी बज रहा है, खाना पीना भी बढ़िया से चल रहा है, सभी से मुलाकातें भी अच्छे से हो रही हैं, और देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। अब क्या है कि हम कल से आए हैं, दूसरी जगह पे भी तो हम रहे थे, तो ज़्यादा वहाँ भी नहीं लेटे, ऐसे ही सभी लोगों से मुलाकातें होती रहीं, तो सोनी बोली कि मेरे तो पेट में हल्का सा दर्द सा महसूस हो रहा है, नहीं चलते, तो हम दूसरी मंजिल पे आ गए, बस यहीं पे अब आराम करते हैं, गर्मी भी बहुत तेज़ लग रही है। हम सोए तो ऐसे सोए कि सोते ही रह गए, लगुन टीका चढ़ गया, जब पटाखे चले जब पता चला कि लगुन टीका चढ़ गया। अभी हम भी चलते हैं, देखते हैं नीचे क्या कार्यक्रम चल रहा है। हम साड़ी वगैरह लेकर आए थे दीदी के लिए, तो वो तो बाद में देंगे, पहले लगुन टीका देखते हैं। तो यहाँ पर लगुन टीका पूरा अच्छे तरीके से बढ़िया से चढ़ चुका है, जो देख सकते हैं आप, बहुत सारे कपड़े वस्त्र इत्यादि जो भी होते हैं। इधर पंडित जी बैठे हुए हैं, तो पूरा विधि विधान से कार्यक्रम सम्पन्न हो चुका है, तो अब है डांस की बारी, चलिए डांस दिखाते हैं। और अब पच पहनाने की तैयारी चल रही है, और ये हमारे मौसा जी हैं, और वो छोटे लड़के बैठे हैं, ये बीच वाले लड़के हैं, तो अभी जिसको जैसे देते हैं, किसी को टहनिया, किसी को गिलास, किसी को साड़ी, बस उसी प्रकार से जो व्यवहार होता है बस उस प्रकार से सभी को देते हैं। इस समय रात के 2:30 बज गए, तो जो राजा बाबू है वो तो यहाँ पे जो भी दिख रहा है, क्योंकि इस समय लोग सो गए, कितना इंतज़ार करेंगे, अभी सो गए हैं कुछ, तो उनको जगा जगा के यहाँ पे बैठे, बस वहीं पे साड़ी, किसी को टहनी है, जैसे उनका व्यवहार है उस हिसाब से सभी को दिया जा रहा है। अभी जो पच लेकर आए हैं ये तो अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, करीब 7-8 साल के हो गए हैं, और आपने टाइम देख लिया, और अभी देखिए यहाँ पे जो ही सो रहा है सभी सो रहे हैं, और कार्यक्रम बढ़िया से चल रहा है। और सभी को जब पहनाने के बाद में लास्ट में बचते हैं दीदी और जीजा जी और दीदी की ननद, तो बस अब उन सभी को पहनाएंगे। अभी यहाँ पे जीजा जी हैं, तो इनको जितने भी हमारे रिश्तेदार आए हुए हैं सभी लोग पहले साफी पहनाएंगे, उसके बाद फिर दीदी खड़ी होंगी, तो उनको साड़ी दी जाएगी। काफ़ी इंतज़ार के बाद चलिए अभी अपना भी नंबर आ गया, तो हम भी सम्मान के रूप में जीजा जी को साफी पहनाते हैं। और अभी और इधर राजा बाबू घूम रहा है टहनियाँ लेके, साड़ियाँ देनी थी उनको साड़ी दे दी, और जिनको टहनियाँ देनी है उनको टहनियाँ देखो देता फिर रहा है, जहाँ पे मिल रहे हैं वहीं पे दे रहा है, ये नहीं जहाँ पे चौक पे भी बुलाए, जो चौक पे आ गए उनको चौक पे बुला के दे दिया, जो चौक पे नहीं आ रहे नींद में हैं तो उनको जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे दिया जा रहा है। और अभी दीदी दीदी की नींद खड़ी हो गई, बस इनको साड़ी वगैरह तो हाँ अभी इनको साड़ी पहनाएंगे,
और साथ ही साथ उसके बाद में फिर दीदी देंगी सबको नारियल गोला, वो गोला होता है ना गोला बतासे, सभी को मिलेंगे जितने भी साड़ी लेकर आए। ये होता है दीदी की तरफ से नारियल गोला बतासे। अभी यहाँ पे जितने भी लोग आए देख सकते हैं कितने भाई है दीदी के, अभी इतनी साड़ियाँ हो जाएंगी कि दो तीन जो बोरा होता है ना वो भर जाएंगे। बस अभी सभी लोग अपने अपने नंबर पे लगे हुए, जैसे हम भी अपने नंबर पे लगे हुए हैं लाइन में, एक साथ भीड़ होती है यहाँ पे, सभी भाई मिलके एक साथ देते हैं। तो फाइनली इंतजार के बाद अब हमारा भी नंबर आ गया, बस तिलक करवाते हैं। मैं तो पहले ही साड़ी देने सोच रहा था, मैंने साड़ी देखे बस 6-7 बजे से निकल जाते, लेकिन दीदी ने नहीं ली साड़ी। भाई जोरी में ले जाऊं कुत्ते, ए जाम भरते जाम ले। और इस पन्नी में हम लाए थे साड़ी, और इसी पन्नी को फुल भर लिया है अभी नारियल गोला बतासे से। तो चलते हैं अभी घर पे, सभी ने ले लिया। इधर देखो हमारे मम्मी साजी वगैरह बैठे हुए हैं। अभी सुबह के 5 बज गए दोस्तों, और अभी हम निकलते हैं घर के लिए, यानी जब तक दिन निकलेगा जब तक पहुंच जाएंगे घर पे। और आज जाएंगे हम खतरनाक वाले रास्ते से, जिस पे आपके पहले कमेंट आए थे ना एक बार, निशा को मैं छोड़ने के लिए गया था, तो जब गए थे हम इस रास्ते से चंबल वाले से, तो अभी हम इसी रास्ते से वापस जा रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता ना पास में पड़ता है। यस, इस रास्ते से जाऊंगा तो 30 किलोमीटर पड़ेगा बस। सवेरे आ गए भैया, सवेरे सवेरे योगेश की मौसी जगा दी आगे। इस समय सुबह के 5:30 बज रहे हैं, और गांव में चिड़ियाओं की आवाज़ सुन सकते हैं आप, कितनी प्यारी आ रही है। पूरी रात मेहमानी खाई है, फिर मेहमानी देना देखी भैया, अब चाय पी के जा गया हुए हैं तो फिर चलो जल्दी। और स्वार्थी ने इधर चाय भी बना दी फटाफट, तो बस चाय पी के हम निकलते हैं। ट्रैक्टर भी निकल गया, अभी चंबल के दर्शन करवाएंगे आपको। ये देख गरम गरम चाय पियेंगे बस सुबह के मॉर्निंग में। तो न्योनी केवे के बिलोज लेवे आई यहाँ, कपड़ा डाल रही है सिलवाई भी खाई हुए। तो शाम को ही बोल रहा था मौसी के घर चलो। ये लीजिए दोस्तों, एकदम बढ़िया मस्त महकती हुई गर्मा गर्म चाय, सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ। चाय पीने के बाद बस अब हम निकल चुके हैं चंबल की ओर, तो अभी वहाँ पे सभी लोग पहुँच गए होंगे मौसा वगैरह नाव पर, तो हम भी पहुँचते हैं कुतियाने वाले घाट पे। अभी ये कुतियाने गांव है, बस यहीं से खतरनाक रास्ता शुरू हो जाता है चंबल की खतरनाक रास्ता। पहले इसी रास्ता के कमेंट आए थे कि भैया जी इतने खतरनाक रास्ते पे क्यों जाते हो, ये रास्ता ना पास में पड़ता है, अभी उधर धो के आते मुरैना हो गए तो वो उसमें बहुत चक्कर पड़ता है। और वो जब इधर से जाते हैं तो जल्दी पहुँच जाएंगे।
मैं मौसी जाइए भाई। अभी देखो चंबल नदी आ गई, दर्शन कर लीजिए। तो जल अभी मैंने योगेश और सोनी को उतार दिया है, क्योंकि ये जो ढलान है ना बहुत खड़ी हुई ढलान है, तो गाड़ी फिसलने का बहुत चांस रहता है इधर से, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए मैं अकेला जाता हूँ। अकेले में भी बाइक फिसलती है, और इसका आपको आगे वाला पार्ट देखने को मिलेगा कल वाली वीडियो में, तो ज़रूर देखना कि हमने इस चंबल नदी को पार कैसे किया।